तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 ग्राउंड पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय गोड की तरफ से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर राम भक्तों ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में भाजपा नेता अजय गोड ने कहा कि यह है एक ऐतिहासिक पल है। और कार्यक्रम में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नयनपाल रावत और विधायक नरेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। तमाम लोगों में भारी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस घड़ी का बहुत ही दिनों से इंतजार था और वो घड़ी अब आ गई है और कहीं ना कहीं उस घड़ी को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए तमाम शहर के लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं वो सब इस घड़ी को अच्छे से मनाना चाहते हैं। यादगार पल के रूप में इसको आप देख सकते हैं कि तमाम लोग किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। सभी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अजय गौड़ वो यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं काफी अच्छा सुनहरे पल है। गौड़ साहब बहुत दिनों से इंतजार था इस घड़ी का, आज घड़ी है। बिल्कुल आज वो घड़ी आ गई है। भगवान राम लला की अयोध्या में पुनः स्थापना होने जा रही है और अयोध्या अयोध्या धाम बनने जा रहा है। पूरा देश भगवान राम के स्वागत में दीपावली मना रहा है, उत्साह है। हर भारतवासी के लिए आज गौरवशाली क्षण है क्योंकि भगवान राम हमारे आते हैं, भगवान राम हमारे कण कण में वास करते हैं, तो इससे सौभाग्यशाली क्षण आज किसी भारतवासी के लिए नहीं होगा। क्या कह रहे हैं पूरी विधानसभा के लोग इकट्ठे हो ये कोई नहीं, फरीदाबाद के लोगों का प्यार है। एक कार्यक्रम भगवान राम के आज उत्सव मनाने का सोचा था मन में, सबका स्वागत है, सब आ रहे हैं, भगवान राम के उत्सव है। उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, उत्साह भारी है, लेकिन उसके बीच कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं सभी वर्गों के वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि राम मैंने बताया राम सबके आराध्य है, तो राम को लेकर सब में उत्साह है और सब एकजुट होकर राम का उत्सव मना रहे हैं। कहीं ना कहीं श्री राम को लेकर आप देख सकते हैं अजय गौड़ से और तमाम नेता हैं, इनको से भी हम जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहेंगे आज वो शुभ घड़ी आ गई है, अलौकिक अलौकिक अद्भुत, हर आदमी के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों में भारी उत्साह, आप देख सकते हैं भीड़ की अगर बात करें तो पूरी जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद की जनता किस तरीके से उमड़ रही है इस कार्यक्रम में देखते ही बनती है, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उससे ये पल छूटे, इस पल को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए तमाम जो जनता है वो यहाँ पहुंच रही है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोगों में श्री रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा उसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस पल को जो अच्छे तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक यादगार पल के रूप में इसको जो लोग मान रहे हैं। और क्योंकि पिछले 550 साल से इंतजार था इस पल का, आज वो पल है तो लोग उसको काफी अच्छे से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो देखा आपने किस तरीके से फरीदाबाद में एक उत्साह है, एक खुशी की लहर है।